महाराष्ट्र नागपुर का SBI एक बैंक में पैरोट दीपंकर मतलब दीपंकर दिनदयाल नाम से एक फर्जी बैंक अकाउंट ओपन किया गया है। उसमें से शायद एक का नाम आसिफ ऐसे कुछ है, मनोज बाबलू पटेल करके कोई है, एडवांस में उसी अकाउंट में पैसे ले रहा है, लेकिन बाद में आप लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। एक्चुअली वहाँ जो प्रशासन है उन लोगों के पास हम लोगों ने कंप्लेन किया, वहाँ भी कार्रवाई शुरू हो गया है, बहुत ही जल्दी वो लोग पकड़े जाएंगे। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ दीपंकर, यह है उज्ज्वला और हम दोनों करते हैं आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल पर दीपंकर में बहुत बहुत स्वागत। लेकिन अभी हम लोगों के साथ जो हो रहा है स्कैम हो रहा है, पैरट दीपंकर यूट्यूब फैमिली का हर एक मेंबर के साथ धोखा हो रहा है, बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। महाराष्ट्र नागपुर में दीपंकर दिंडा मतलब मेरे नाम से एक फर्जी अकाउंट बनाया गया है SBI बैंक में, और जो लोग अपना फ़ोन नंबर डालते हैं मेरा वीडियो का कमेंट्स का नीचे, वही सारे नंबर को वहाँ से पिक करके फ़ोन किया जा रहा है, मतलब क्या बार्ड चाहिए, और उसका अगेंस्ट में एडवांस में पैसा लिया जा रहा है, और मतलब धोखा हो रहा है, और ऐसे धोखा बहुत सारा लोगों के साथ हुआ है। तो सारे व्यूअर्स के पास मेरा रिक्वेस्ट है कि बिल्कुल भी मत दीजिए पैसा किसी को भी। एक्चुअली मैं कोई प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, बार्ड सेल नहीं करता हूँ, तो मैं सबको रिक्वेस्ट करता हूँ ऐसे मत करिए। पैसा क्यों देंगे आप, मतलब कहाँ दे रहे हैं आप? आपने फ़ोन किया और किसी ने कहा कि मैं पैरट दीपंकर से बोल रहा हूँ, मैं उज्ज्वला बोल रहा हूँ, मैं दीपंकर दा बोल रहा हूँ, आप लोग ट्रस्ट कर रहे हैं ये, मतलब देखिए आप लोगों का जो ब्लाइंड ट्रस्ट है मेरा ऊपर वो मैं समझता हूँ, आप लोग हमको विश्वास करते हैं, लेकिन फिर भी इतना विश्वास भी ठीक नहीं है, क्योंकि आप अगर बात करना है उज्ज्वला से तो मैं किसी वीडियो में तो उज्ज्वला का नंबर शेयर किया हूँ, वहाँ से लीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना नंबर मत डालिए, कमेंट सेक्शन से आप लोगों का नंबर पिक करके वहाँ से आप लोगों का नंबर लेके आप लोगों को दूसरा कोई महाराष्ट्र का नागपुर से दो तीन बंदा ऐसे एक टीम बनाया जो लोग आप लोगों का नंबर लेके आप लोगों के साथ धोखा कर रहा है। और मतलब क्या कहूँ, ये किस तरीके से हो रहा है हमको भी अभी तक पता नहीं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ वहाँ का जो प्रशासन है उन लोगों के साथ भी कॉन्टैक्ट किया, वो लोग भी पूरी तरीके से हम लोगों के साथ है, हम लोगों को सपोर्ट कर रहा है, हेल्प कर रहा है, मतलब कैसे इसको रोका जाए। और तो ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ तो हुआ है, और आज मेरा यहाँ एक ऐसे दादा आए हुए हैं जिनके साथ ये घटना घटा, तो चलिए दादा के सामने जाते हैं और पूरा मैटर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से उनके साथ ये धोखा किया गया है, और आप लोग भी अवेयर हो जाइए कि बिल्कुल भी ऐसे धोखे में मत पड़िए। तो सुनेंगे पूरा और उम्मीद करेंगे ये बहुत ही जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये जो चल रहा है ये ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा। और आप सभी के पास मेरा रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप लोग लाइक करें या ना करें, प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ पैरट दीपंकर यूट्यूब फैमिली का हर एक मेंबर के पास ये वीडियो पहुँच जाए, ताकि वो लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाए और इस स्कैम का चक्कर में ना पड़े। हेलो, हाँ उज्ज्वलदा बोल रहे? हेलो हेलो, मैंने यूट्यूब का कमेंट्स आपका नंबर मिला मुझे, तो मुझे कुछ बर्ड लेना था इसीलिए फ़ोन किया। तो आप उज्ज्वलदा बोल रहे? व्हाट्सएप पे मैसेज करिए इनको। व्हाट्सएप में तो अमेज़ॉन है आपके पास? तो किस नंबर पे? इसी नंबर पे? ठीक है, व्हाट्सएप में कॉल कर रहा हूँ। आप कौन है? आप कौन है? अभी उज्ज्वल दा है ना? हाँ, उज्ज्वल दा बात कर रहे हैं। ओह अच्छा, आप दीपंकर दर से बात हो सकता है? अभी दीपंकर दा का नंबर दूसरा है सर, तो उनसे थोड़ा कॉन्फ्रेंस में बात करा सकते हैं सर? उनसे तो बात तो नहीं कर रहा सर, उससे थोड़ा सा बात करना था, क्योंकि थोड़ा सा हमको बर्ड का संबंध में थोड़ा सा जानना है, तो उनके थोड़ा सा बात करना था उनके साथ। तो मैं उनका नंबर दे देता हूँ आपको व्हाट्सएप पे, आप मुझे मैसेज करिए। ठीक है, व्हाट्सएप में आपको तब मैसेज कर रहा हूँ। ओके, चौट चौट करे DP चेंज करो। अभी हम लोग मांगा था दीपंकर भाई का नंबर, और उन्होंने हम लोग मैसेज किया था और उन्होंने दीपंकर भाई का नंबर दिया है, देख लीजिए क्या किया है, दीपंकर दा का नंबर दिया है। अच्छा हाँ, और अभी हम लोग कॉल करेंगे दीपंकर भाई का नाम से कॉल करेंगे, और आप लोग देखिए क्या होते जा रहा है। संपर्क करो इसका, तो सध्या बंद आहे, कृपया नंतर प्रयत्न करा। नंबर शी संपर्क करो इच्छिता, तो सध्या बंद आहे, कृपया मैसेज करिए। तो बंद आ चुका है, फोन पे मैसेज करो, फोन पर मैसेज नहीं, वही छेलाटा के फोन करो आप। ना एक सेकंड, मैं बोले करो जी। हाँ, दीपंकर दा को जो नंबर दिया था, दीपंकर दा का नंबर बोल के वो अभी बंद आ रहा है। हाँ, फिर दोबारा उनको फ़ोन करो और उनको पूछो कि उनका नंबर बंद आ रहा है, कि आप कुछ मदद कर सकते हैं।
ऐसा करके पूछो। और तो अभी तक मतलब जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, ऐसे बहुत सारा स्कैम हो रहा है पैरट दीपंकर का नाम से, मतलब हमको लेके, और इस दादा के साथ भी थोड़ा सा धोखा हुआ है। तो दादा आप पूरा आपके साथ जो घटना वो स्टोरी थोड़ा आप शेयर कीजिए दादा। हाँ, मैंने एक्चुअल में कुछ आपका एक कोई छत्ता में किसी का पिजन देखने गए थे। एक वीडियो तो वो पिजन देख के हमको पसंद आया था, उसका रेट उट सभी बोले थे, तो मैं आपका उसी कमेंट बॉक्स में देखे तो एक नंबर मिला। अच्छा। तो उस नंबर पे मैं कॉल किया कि मुझे कुछ पिजन चाहिए, तो दीपंकर दादा ने ये सब वीडियो शूट किया है तो आप अगर हमको दे सकते हैं। तो आप उज्जवल दा बोल रहे हैं? और हाँ, हम उज्जवल दा बोल रहे हैं, उनका जीजा। अच्छा। तो ठीक है, तब हम एक काम कीजिए, हमको पिजन का कुछ फोटो भेजिए। तो उन्होंने तुरंत फोटो भेजा, 10 पेयर का फोटो भेजा। अच्छा। तो 10 पेयर का हम बोले कि दादा इसका दाम कितना है? तो बोले इसका दाम है 13,000 रुपया। अच्छा, 10 पेयर का? हाँ। अच्छा, 10 पेयर का 13,000 रुपया फिर दाम है, तो हम लोग कैसे हमको मिलेगा? पूरा आपका कहाँ पे है? हम लोग, हमको आसनसोल में चाहिए। और हाँ, हम लोग तो जाते हैं, लॉकडाउन में भी हम सप्लाई कर रहे हैं। अच्छा। तो आप बोलिए, हम आसनसोल में पहुँचा देंगे। अच्छा। तब तो बहुत बढ़िया है, तब आप लाइए, आप हमको डिलीवरी कीजिए, पेमेंट लीजिए। बोला नहीं दादा, हमको दीपंकर दा का रूल है कि 30% पेमेंट आप ऑनलाइन कीजिएगा, तब आपको बाट पहुंचा के बाकी 70% लेंगे। अच्छा। तो उसी बीच हमको बोला कि हम लोग के पास 2 पेयर ग्रे भी है, एक एडल्ट और एक चिक्स, तो ये भी चाहिए। हमको तो ऐसे भी ग्रे का बहुत दिन से शौक था, तो हम बोले कि हाँ ग्रे भी लेंगे। तो बोला ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, आप ऑनलाइन में 20,000 रुपया भेजिए, मैंने 30% का हिसाब से 20,000 रुपया भेजिए, उसके बाद आपको बाद बाकी वहाँ जाके पेमेंट लेंगे। तो मैं उस दिन 20,000 नहीं भेज पाया, उसको रातों रात, हम तो ऐसे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते नहीं है, लड़का लोग को बोल के, वो कोई महेश बाबलू पटेल बोल के उनका अकाउंट में बोला कि हम लोग को दीपंकर दा का खाना उना सप्लाई करता है। अच्छा। तो उनका अकाउंट में डाल दीजिए, तो उनका अकाउंट में मैं पेटीएम से 5,000 रुपया डाले, 1,000 करके 3,000 और एक बार 2,000, तो टोटल 5,000 हम डाले। तो बोला 5,000 में क्या होगा, आपको अकाउंट ट्रांजेक्शन करना नहीं आता है, तब कल सुबह जाके बैंक से डाल दीजिएगा, उसके बाद हम लोग बाट्स लेके निकलेंगे। तो ठीक है, तो हम 10:30 बजे 10:39 में मैं 10,000 रुपया फिर ट्रांसफर किए फंड। बैंक अकाउंट किसके नाम में था? बैंक अकाउंट दीपंकर दिंदा। अच्छा। तो बोला दादा 5,000 डाले हैं वहाँ, बाकी मत डालिए, बाकी दीपंकर दिंदा अकाउंट जो हम लोग का चैरिटेबल ट्रस्ट का है उसमें डालिए। आप तो बोल रहे हैं कि हम कुछ इसमें ही करेंगे, आप उसमें डालिए, बाद बाकी जो पेमेंट होगा आप आके, हम वहाँ आके लेंगे। हम वो दीपंकर दिंदा बोल के SBI ब्रांच का। लेकिन ये हमको समझ नहीं आया कि मेरा नाम से अकाउंट कैसे बन सकता है। आई थिंक कुछ फर्जी होगा, मतलब अकाउंट कोई पता नहीं कैसे हो सकता है, कोई KYC तो डुप्लीकेट करके डॉक्यूमेंट। बैंक में जब कोई अकाउंट बन रहा है तो वहाँ तो डॉक्यूमेंट डेफिनेटली आइडेंटिफिकेशन चाहिए, उसका एड्रेस प्रूफ चाहिए, तो वो डुप्लीकेट किया होगा संभव। अच्छा, तो आपका सारा डिटेल्स हमको बोला कि दीपंकर दा का हम जीजा है, हम उज्जवल दा है, हम नॉन बंगाली है, हमको बंगला नहीं आता है। तो उज्जवल दा का DP भी देखे और आपका यूट्यूब का चैनल का फोटो देखे, तो उज्जवल दा हम लोग तो बंगाली है, वो आप मतलब हम सोचे कि आपका अंडर कास्ट में शादी हुआ होगा उज्जवल। अच्छा, ठीक है ठीक है। तो हम उज्जवल दा का DP देखे, उसके बाद आपका भी DP दिया कि आप, हमको विश्वास नहीं है तो दीपंकर दा से व्हाट्सएप में बात कर लीजिए। अच्छा। तो हम उसको एक बार खाली बोले कि दादा एक बार ऑनलाइन तो आइए, तो तुरंत बोल रहे आपको क्या मेरा ऊपर भरोसा नहीं है, दीपंकर दा ऊपर भरोसा नहीं है। हम लोग भाई इतना दिन से हम उनका फैन है, भरोसा का बात कहाँ से आ रहा, आपको तो हम पेमेंट कर भी दिए 15,000। तो बोला नहीं, 15,000 में नहीं होगा, आपको 50% पेमेंट करने होगा। हम बोला ये कैसा बात हुआ, आप बोले कि 50% पेमेंट करने होगा, अभी बोल रहे 30% किए थे। दीपंकर दा गुस्सा हो रहा, बोल रहा हम ऐसे सप्लाई नहीं करते, मेरा रूल है तो रूल, हम सारा चीज इसमें व्हाट्सएप में किया बोल के मेरा सब कुछ सेफ भी है। फिर हम बोले कि दादा आप ऐसे करके तो हम पेमेंट नहीं दे पाएंगे, आप बोलिए बाट ले आइए, हम हाथों हाथ आपको
पेमेंट दे देंगे। तब उसको बोला ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद रात को बोल रहा कि नहीं दीपंकर दा थक गया, हम लोग का बहुत सारा सानकुनूर का डिलीवरी था, दुर्गापुर उसके बाद वर्धमान ये सब में डिलीवरी है, आज नहीं जा पाएंगे, कल आएंगे। अच्छा, कल आपका पास। तो हम बोले कि आप लोग दीपंकर दा भी आएगा, बोला कल आने से दीपंकर दा भी आएगा। तो दीपंकर दा को देसी मुर्गी और बिरयानी बहुत पसंद है, तो हम उनका दीपंकर दा आए बोल के मेरा तो खुशी में सबको घर का फैमिली सबको खुश हो गया, मेरा लड़का वाइफ बेटी सब तुरंत हम लोग चिकन उकन मंगा के बिरयानी बना के रेडी किया। क्या हो रहा है, सेंटीमेंट लेके कैसे रात को 9:30 बजे फोन करके बोल रहा है दादा हम लोग आज नहीं आ पा रहे, कल सुबेरे 11 बजे आपका माल सब कुछ रेडी होकर आसनसोल पहुंच गया, 11 बजे आपका पास पहुंच जाएगा। फिर दूसरा दिन 11 बजे हम फोन कर रहे हैं, बोला वो पहले ही बोल रहा कि आप और बाकी 10,000 रुपया भेजिए हम आके ले जा रहे हैं, बर्ड्स मिल जाएगा। अच्छा, हम बोला नहीं आप जब तक डिलीवरी नहीं दीजिएगा हम और पैसा नहीं देंगे, अकाउंट में नहीं देंगे। तो बोला आप बहुत फालतू आदमी है, तुरंत उल्टा पलटी मारने लग चालू कर दिया उसी बात। हाँ तुरंत फालतू आदमी है बोल के दीपंकर दा का अकाउंट तो पहले ही ब्लॉक कर दिया। फिर उसका बाद हमको बोल रहा हमको चीटिंग लग रहा, हम अब तक अभी आपके साथ ऑनलाइन में रहते हैं, अगर हम लोग को चीटिंग लग रहा तो ठीक है आप जब पूरा पैसा दीजिएगा तभी आपको बाट मिलेगा, यही बोल के वो काट दिया। हम बोला ठीक है तो आप कहाँ जाना है बोलिए, तो दीपंकर दा का एड्रेस दीजिए हम वही जाएंगे, पूरा एड्रेस नेक्स्ट मंथ मिलेगा बोल के वही लास्ट मतलब तभी आपको पता चल गया कि ये हाँ, एक है फ्रॉड, ये फ्रॉड। फिर हम सारा आपका फिर दीपंकर दा का यूट्यूब फिर चैनल ये किए, तब अचानक अगला हफ्ता का एक हम लोग देखे ब्लॉग कि उसमें आप लोग अम्फन का जो ट्रेजिडी हुआ वहाँ पे कोई सॉल्ट लेक का कोई संस्था को लेकर आप लोग डोनेट कर रहे हैं रिलीफ के लिए, तो हाँ उसमें सौरभ दा का और उज्जवल दा का नंबर स्क्रीन में आ रहा, तब जाके हम डायरेक्ट सौरभ दा से कांटेक्ट किए, कांटेक्ट करने के बाद अभी आपका दीपंकर दा के पास आए हैं, यही तो बताइए अभी ओरिजिनल जगह में पहुंचे, उसका जगह में बीच में और कोई दूसरा ले। सबसे जो सेंटिमेंटल वाला बात है कि मैं आऊंगा ये सोच के आपने हाँ। घर में खाना बनाया मेरे लिए, तो मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और तो मैं मेरी तरफ से सारे व्यूअर्स के लिए कुछ कहना चाहता हूँ, देखिए ये जो बर्ड्स है जब मैंने शुरू किया था ये मेरा हॉबीज था, और अभी तक मैं प्रोफेशनली बर्ड्स को सेल नहीं करता हूँ, मतलब ये मेरा शौक है। और ऐसे ही जितना सारा चिक्स होता है मैं पहले सोचता था कि मेरा फार्म पे ही रहेगा, क्योंकि मैं चाहता था कि और ज़्यादा बर्ड्स मेरे पास मतलब रहे, लेकिन फिनेंशियल सपोर्ट का भी कभी कभी थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि इन लोगों का मेंटेनेंस के लिए भगवान ऊपर अल्लाह का दुआ से थोड़ा बहुत छोटा मोटा बिजनेस है, मतलब खाना वगैरह और रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन इन लोगों का मेंटेनेंस पे भी काफ़ी मतलब जितना ज़्यादा खर्चा करेंगे उतना अच्छे से हम लोग सारे बर्ड्स का मेंटेन केयर कर सकते हैं। इसलिए जो चिक्स वगैरह होता है कभी कभी थोड़ा बहुत एक दो सेल करते हैं, और उन्हीं लोगों को जिन लोगों के साथ मेरा डायरेक्टली कॉन्टैक्ट हो जाता है, कोई यहाँ आता है डायरेक्टली बात होता है, और 99% मैं पैसा कभी एडवांस नहीं लेता हूँ। और कुछ कुछ केसेस में ऐसे होता है कुछ लोग कहते हैं कि दीपंकर दा आपसे ही बर्ड्स लेना है, ऐसे इतना रिश्ता बन जाता है फ़ोन पे बात होते होते कि उन लोगों का ट्रस्ट आ जाता है कि दीपंकर दा तुमसे ही बर्ड्स लेना है, अगर तभी वो बर्ड्स मेरे पास नहीं रहता है तो उज्जवल दा हमको हेल्प करता है। कलकत्ता में जो सारे लोगों का घर में जो लोग ब्रीडर है, यहाँ बहुत सारा ब्रीडिंग होता है, बहुत सारा लोगों के पास बर्ड्स रखे हैं कलकत्ता या अलग अलग सारे मतलब हर एक जगह में ढूंढेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, तो उन लोगों के साथ अगर कॉन्टैक्ट रहता है और वहाँ अवेलेबल रहता है तो मैं वहाँ से पार्ट ले आके मेरे फार्म पे रखता हूँ, और कहता हूँ दादा मतलब जो बायर है वो कहता हूँ हाँ मेरे फार्म पे आ गया है अभी 10-12 दिन मेरे पास रहेगा मैं क्योंकि देखिए आप लोगों का जो ये जो ट्रस्ट है कि दीपंकर दा के पास से लेंगे तो हमको अच्छा बर्ड मिलेगा, और हमारा भी ये फ़र्ज बनता है कि देखिए बर्ड्स आपका वहाँ जाने के बाद बीमार होगा नहीं होगा वो तो ऊपर वाला गॉड के हाथ में है, और आपका आप जैसे केयरिंग करेंगे उसका ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी देने का टाइम अगर मैं मतलब मेरा जो एक्सपीरियंस है एक बर्ड को देख के एक गेस कर सकता हूँ कि हाँ ये बर्ड हेल्दी है अभी अभी इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं वो देख के लोगों को देता हूँ कभी कभी। और 90% केसेस में ऐसे करता हूँ कि मैं कहता हूँ कि दादा मेरे पास अवेलेबल नहीं है, और अगर कोई बहुत ही कहता है कि हाँ दादा एक अरेंज करा दो तो लोगों का नंबर दे देता हूँ, और जो लोग कहता है कि नहीं दादा तुमसे ही लेना है तभी मेरे पास तो कितना होगा, एक ब्रीडिंग फार्म से हजारों लोग हैं लेने के लिए लेकिन मेरे पास कितना बार है बहुत ही कम, तो 2-5-10 जन को दिया, बाकी का अगर कोई किसी का कहना है कि दादा बाहर से लाइए आपका फार्म में 10-12 दिन रखिए आप देखिए थोड़ा जो करना चाहिए मेडिसिन वगैरह अगर चाहिए तो दीजिए उसका केयर कीजिए, उसके बाद आपके पास से लोग ऐसे भी कहते हैं कि 2000 आप रख लीजिए, तो ऐसे
बहुत ही कम संख्या में। जब मेरे पास पैसा रहता है बाहर से खुद पैसा देके मैं मेरे फार्म पे लेके आके रखता हूँ, जब पैसा का कमी होता है तब पैरोट दीपोंकोर एग्जोटिक बार्ड ब्रीडिंग फार्म करके मेरा, क्योंकि मेरा ट्रेड लाइसेंस बनाया हुआ है, क्योंकि लीगली मैं हमेशा चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट, हम लोग इंडिया में रहते हैं, यहाँ का गवर्नमेंट का जो रूल्स है वो हम लोगों को मान के चलना है, तो उसको तोड़ना नहीं चाहता। इसलिए जो जो रिक्वायरमेंट है अगर मैं दे रहा हूँ किसी को तो सेल ही हो रहा है, तो मैं ट्रेड लाइसेंस भी बनाया और उसका ऊपर मैं मेरा मतलब बैंक अकाउंट भी है, तो उसी अकाउंट में थोड़ा बहुत अभी तक ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 लोगों के पास से मैंने एडवांस लिया है और सबको डिलीवरी हो गया है। कितना एडवांस? 10,000, 5,000, कोई 60,000 का बाड़ खरीद रहा है तो वे फिर भी मतलब एक दो बार धोखा भी खाया कि दादा मैं आ रहा हूँ बाड़ लेने के लिए, मैं पैसा खर्चा करके बाड़ उठा के लाया और बाद में वो लोग नहीं आते हैं, तो मतलब यहाँ तो मैं रख देता हूँ, मेरा कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लेकिन उस टाइम के लिए थोड़ा सा फिनंशियल थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि वो मेरा बजट नहीं था, दूसरा काम के लिए था, तो थोड़ा दिक्कत हो जाता है उसमें भी, क्योंकि बाड़ तो मेरे पास रह जाता है और मेरा मतलब बाद में खुशी मिलता है बाड़ मेरे पास रह गया। तो मैं सारे व्यूअर्स को कहना चाहूँगा ऐसे स्कैम में मत जाइए, बिल्कुल भी पैसा मत डालिए, वीडियो कॉल कीजिए, अगर आपको बात करना है उज्ज्वला को बोलिए कि उज्ज्वला आपके साथ एक बार वीडियो कॉल में हम बात करेंगे। उज्ज्वला अभी कैमरा पकड़ के खड़ा है, मेरे सामने ही है, उज्ज्वला को देखिए और सबसे अच्छा है आप आ जाइएगा एक बार कष्ट करके यहाँ, क्या कहूँ। और जो भाई ऐसे कर रहे हैं उनका नंबर भी है और दादा के साथ जो व्हाट्सएप हुआ, चैट हुआ और जो पैसा वगैरह ट्रांसफ़र किया है सब कुछ हमको दिखाया। भाई मैं आपको थोड़ा सा एक बात कहना चाहूँगा, देखिए आपका जो टैलेंट है, आप जो कर रहे हैं, मेरे नाम से बैंक अकाउंट अपने बनाया, इतना आसान नहीं है किसी, शायद ये भी हो सकता है कि आपका नाम भी दीपंकर दिंडा हो सकता है, कुछ भी करके आपका अंदर टैलेंट है, तो आपका इस टैलेंट को आप अगर किसी सही काम में, नेक काम में लगाएंगे तो आप बहुत ऊपर तक चले जाएंगे। आप क्यों कर रहे हैं ऐसा? और एक बात ध्यान रखिएगा कि आप अगर जोर जबरदस्ती करके किसी को धोखा करके, मतलब आपका हक का पैसा नहीं है वो, फिर भी आपने उनसे लिया, तो ऊपर वाला जो भगवान बैठा है, गॉड बैठा है, अल्लाह बैठा है, वो आपका वो पैसा नहीं रखेगा, वो कहाँ से निकल जाएगा, उल्टा उससे दुगना चौगना पैसा आपका निकल जाएगा, तो ये सही रास्ता नहीं है। आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ये रास्ता छोड़ दीजिए, आपका हक का पैसा आप अर्न करेंगे वही आपके पास रहेगा, ये मानना है, भगवान है ऊपर बैठा, अल्लाह है ऊपर बैठा, किसी के पास ये रहेगा नहीं, तो एक गलत रास्ता आप प्लीज़ छोड़ दीजिए, समझ जाइए अभी तक वक्त है। मेरे नाम पे आप ये कर रहा है ये बिल्कुल भी हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आप इनका पैसा वापस कर दीजिए। ये उनका नाम आपको पता चला? इनका नाम है आसिफ, आसिफ भाई, हाँ। भाई बोल के आपको बोल रहा हूँ और आपने, हाँ नागपुर से है और आपने जो डिटेल्स भेजा था ये देखिए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट नंबर ये वगैरह, IFSC कोड ये, नेम दीपंकर दिंडा, मतलब दीपंकर दिंडा नाम से आप अपने अकाउंट जो भी है आपने कुछ भी करके किया वो जानने का ज़रूरत नहीं है हमें, आप जो कर रहे हैं ये गलत है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, और इतने अच्छे से आपको समझाया, आप अच्छे घर के लड़के हैं, आप पढ़ा लिखा है तभी जाके ये आप कर पाया, और ये आप एक गलत रास्ता है, ऊपर भगवान अल्लाह गॉड है वो तो आपका ये पैसा नहीं रखेगा, ऊपर से दुगना चौगना उससे भी ज़्यादा पैसा आपका निकल जाएगा, आप अपना रास्ता बदल दीजिए, अदरवाइज़ हमको कुछ करना पड़ेगा, आप मेरा नाम लेके कर रहे हैं तो हमको कुछ करना पड़ेगा। तो अभी तक वक्त है, आज शाम का अंदर प्लीज़ आप इनसे कांटेक्ट करके इसका जो पैसा आपने लिया एक एक पैसा रिटर्न कर दीजिए, मतलब सब ठीक है, नहीं तो हमको कुछ करना पड़ेगा। ये रास्ता क्यों चुने? जो लोग बर्ड लवर है, मेरा गर्व था कि हर एक बर्ड लवर वो लोग नेक इंसान होता है, उन लोगों का दिल अच्छा होता है, लेकिन आप बिल्कुल ठीक नहीं कर रहे हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ आप ये रास्ता छोड़ दीजिए प्लीज़, और आगे से अकाउंट क्लोज कीजिए, इनसे बात कीजिए, पर्सनली बात कीजिए, आप इनका पैसा इनको रिटर्न कर दीजिए प्लीज़, और ऐसे दोबारा मत कीजिए मत, मतलब सोचिएगा भी नहीं इसके बारे में, मेरे साथ भी नहीं, किसी के साथ भी नहीं, मतलब ये आपका अंदर एक बार आया तो आपका दिल में फिर से आएगा, वहाँ से 15,000-20,000 मिला, फिर से नया रास्ता निकाल के ये मतलब माइंड में आ जाता है लोगों का, लेकिन ये रास्ता बिल्कुल गलत है। और क्या कहूँ दादा, आई एम सो सॉरी, मतलब हमको भी बुरा लग रहा है कि आपको आपके साथ ऐसे किया गया है। तो सारे व्यूअर्स को मैं कहना चाहूँगा, हर वीडियोस में मैं कहता रहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन इस वीडियो में मैं कहूँगा प्लीज़ इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आप लोग शेयर कीजिए, पैरट दीपंकर का जितना व्यूअर्स है सबके पास प्लीज़ ये पहुँचा दीजिए। बोलो भाई, मतलब वही बोल रहा हूँ, ये तो एक अचानक से इन लोगों इसके साथ कॉन्टैक्ट हो गया एंड हम लोग को पता चला, वो चीज़ मतलब बहुत अच्छा है कि पता चला, बट ऐसे भी बहुत लोग हो सकते हैं जिसके हम लोग को पता नहीं चला, अभी तक पता नहीं चला। सो आपके ऊपर हम लोग ये छोड़ सकते हैं भाई, देखिए इतना लोग कहाँ कहाँ से सामान भेज रहे हैं ट्रस्ट के ऊपर, ये सब चीज दो 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 ट्रक भर के सामान आ रहा है। पैरट दीपंकर कभी कितना सारा सामान पड़ा तो, सिर्फ यहाँ नहीं बाहर भी है दादा उज्जवल, बाहर भी है बहुत सारा, मतलब पूरा बाट फार्म अभी भरा हुआ है सामानों से। हम लोग जब पैरट दीपंकर चैरिटेबल ट्रस्ट को शुरू किया था तभी मैं उज्जवला और सौरभ मेरा दोस्त है बचपन का लंगोटिया यार, ये मतलब जिसे कहता है क्लास वन से हम लोग पढ़ते थे, ये यूके में चला गया था जॉब के कारण और फिर अभी कलकत्ता में इनका पोस्टिंग है। हम सब ने मिलके ये प्लान बनाया था पैरट दीपंकर यूट्यूब फैमिली की तरफ से, मतलब यूट्यूब से जो अर्निंग होता है वहाँ से बाट फार्म मेंटेन होकर जो बचेगा उससे ही हम लोग का ट्रस्ट को रन करेंगे। और सौरभ ने कहा था कि उसका सैलरी से वो हर महीना 10,000 करके देंगे और उज्जवला उसका महीने से 7 से 10,000 वो भी देंगे, तो वहाँ से हो गया 20 और मेरा 20-25, मतलब 45,000 हम लोगों का टारगेट था पर मंथ के, कुछ ना कुछ नेक काम करेंगे। और अभी देख रहा हूँ कि ये आप लोगों का भरोसा है पैरट दीपंकर पर, ये गर्व है मेरा कि आप लोग ट्रस्ट करते हैं इतना, जिसके कारण आज दो ट्रक भर के सामान आ रहे हैं यहाँ चैरिटेबल ट्रस्ट के वर्क के लिए और आप मेरा व्यूअर होके ऐसे कर रहे हैं दादा, क्या कॉन्ट्राडिक्शन हो गया एकदम बिल्कुल भी बहुत बुरा लग रहा है, आप बिल्कुल मत कीजिए दादा ऐसे। वो डिटेल निकाल के थोड़ा बता दीजिए, नागपुर में कहाँ में है, किस जगह में है, सीमेंट रोड मुझे याद है। हाँ एक्चुअली ये अकाउंट जगह का नाम है नंदनवन महाराष्ट्र नागपुर, और नंदनवन सीमेंट रोड 818 नंदनवन सीमेंट रोड, ये बैंक का एड्रेस है जहाँ पर ये अकाउंट ओपन किया गया था। और नाम तो दीपंकर के फर्जी डिटेल्स देखे, उज्जवला और सौरभ देख लीजिए, सौरभ वीडियो कॉल कीजिएगा सौरभ और पीछे है उज्जवला, एक सेकंड में ये है उज्जवला, हाँ ये है उज्जवला और ये है सौरभ, मतलब इन दोनों को छोड़ के। नहीं मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग तो हम लोगों को पहचान मतलब देख लिए, तो कोई भी अगर डाउट होगा तो पहले वीडियो कॉल कीजिए, अगर कोई बोलेगा कि नहीं नहीं वीडियो कॉल मैं अभी बेस्ट तो बिजी हूँ नहीं होगा नहीं। तो बाद में कीजिए, कि जब आप फ्री होगा तब कीजिए, बट विदाउट डूइंग वीडियो कॉल आप ऐसे मत कीजिए कोई भी, क्योंकि ये इसको सब लोग मिलके ही इसके पीछे, मतलब आज दीपंकर ने इतना रिक्वेस्ट किया शायद वो सुधर जाएगा, बट हो सकता है कल दूसरा कोई आ जाए। तो देखिए घर में ताला लगाना पड़ता है, सब लोग अच्छा है फिर भी घर में ताला लगाना पड़ता है। तो हम लोग एक फैमिली की तरह है तो हम सबको थोड़ा एवर रहना पड़ेगा। आज आपको पता है बैंक से फ़ोन करके पिन मांगता है, बैंक का लोग भी फ्रस्ट्रेटेड है उसको लेके, तो ये फ्रॉड ये जो साइबर क्राइम जो बोलते हैं ये पार्ट ऑफ सी सोसाइटी है, तो हम लोगों को इसको कैसे हम लोगों को बचना है सबको बचाना है ये हम लोगों को सीखना पड़ेगा। तो विदाउट डूइंग वीडियो कॉल कन्फर्मिंग कि हमसे बात हो रहा है कि उज्जवला से बात हो रहा है कि दीपंकर से बात हो रहा है, आप कोई भी ट्रांजैक्शन मत कीजिए, अरे ऐसे भी ट्रांजैक्शन करने का जरूरत ही नहीं होगा नहीं। क्योंकि बार तो सेल ऐसे नहीं होता नहीं होता है, नहीं है तो। मैं करता नहीं हूँ, और आप लोगों को खरीदना है तो आपका लोकल जो एरिया है वहाँ से ही खरीदिए। पैरट दीपंकर में क्या रखा है इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को सपोर्ट के लिए हूँ, आप लोगों का बार्स का प्रॉब्लम है तो उज्जवला है सौरभ है, सौरभ को इसके बारे में ज़्यादा पता नहीं चैरिटेबल ट्रस्ट का जो वर्क होता है सौरभ ज़्यादा देखता है और उज्जवला और मैं हूँ, हम लोग बताएंगे हम लोग का जो एक्सपीरियंस है। बार्स हमसे मत खरीदिए, आपका जो लोकल, हाँ देखिए ना मेरा वीडियो देखिए कि एक बार्ड हेल्दी है कि नहीं, आपको वहाँ से भी पता चल जाएगा कि क्या क्या देखना है। बार्ड का एक मूवमेंट, एक सुस्त आदमी को देख के जैसे हम लोग ये मतलब पता कर सकते हैं कि उसका एटीट्यूड मूवमेंट वो देख के आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और तो बार्ड प्लीज़ हमसे मत खरीदिए, बिल्कुल भी पैसा एडवांस मत कीजिए, पैसा किसी को मत दीजिए, आप खुद जाइए सेलर का घर में बार्ड देखिए। और इसके साथ ये ऐसे भी होता है, वीडियो भेजा एक मतलब एक अफ्रीकन ग्रे का, आपने पैसा एडवांस कर दिया, उसके बाद आपके पास पहुंचा दिया दूसरा ग्रे, ये होता है। तो आप जाइए कष्ट करके, या आप बिजी है तो किसी दूसरे को भेजिए, आपका किसी अच्छे दोस्त किसी रिश्तेदार कोई भी किसी को भेजिए, खुद जाके पेमेंट करके ले आएगा। हाँ ये भी होता है जो लोग सेलिंग करता है वो लोग भी बहुत धोखा खाते हैं कि मैंने कहा कि दादा मैं आपसे बांट लूँगा आप ला के रखिए। देखिए जो सेल करेगा मतलब मैं जिससे लूँगा एक बांट का 50,000-60,000-70,000 तक एक बाट का प्राइस होता है, तो आप उठा के लेके आए और मैं नहीं किया तो आप फंस जाएंगे।
इसलिए एडवांस कराना पड़ता है। फिर भी आप लोग, मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा कि आपका लोकल जगह में जाइए, आप खुद देखिए, तो हाँ उसके बाद देख के एडवांस कीजिए, या रसीद लीजिए, या कुछ डॉक्यूमेंट्स लीजिए, या ऐसे देखा नहीं फ़ोन पे बात हुआ ऐसे मत कीजिए, बहुत स्कैम हो रहा है। थैंक यू सो मच, और प्यार बना के रखिएगा, जैसे प्यार करते थे पैरोट दीपंकर को और जैसे ट्रस्ट करते थे, जिसके कारण इतना सारा सामान, रिलीफ का सामान आज आ रहा है। मैं नहीं चाहता हूँ कि वो किसी गलत सैनी के कारण खो जाए, इसलिए आज एकदम खुलासा करके सबके सामने मैंने बताया। और इस दादा के साथ मतलब ये हुआ, दादा मेरी तरफ से भी आपको सॉरी क्या कहूँ, और मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। और दादा का जो कहना है, दादा का घर में जाके एक बार हमको लंच या डिनर करके आना होगा, मेरे लिए और भाई ठीक है, जरूर आएंगे। मैं मतलब प्रेशर रहता है, कहीं भी नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं आपका हूँ, एक बार आऊँगा जरूर दादा, जरूर आऊँगा। बस मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच, आज का वीडियो यही ख़त्म होता है, और क्या कहूँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ना कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन शेयर प्लीज़ कीजिए, हर एक पैरोट दीपंकर का व्यूअर्स तक प्लीज़ पहुँचा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। थैंक यू।